लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। भोपाल रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर मंत्री पीसी शर्मा ने दुख जाहिर करते हुए जांच किए जाने की मांग की है। घायलों के प्रति संवेदना जताते हुए मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय रेलवे मंत्री को वह हादसे की जांच को लेकर पत्र लिखेंगे। दूसरी ओर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने लगातार बढ़ रही महंगाई पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मंत्री शर्मा ने कहा कि महंगाई की दर 7.5% हो चुकी है और जब इस तरह की महंगाई आती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। पीसी शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जो नीति है वो बिल्कुल फेल है। साथ ही उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों को मानदेय में 8% का लाभ देने की सरकार ने योजना बनाई है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव भी आया है। अगर 10% भी मकान बने मिलेंगे तो उन कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। वहीं अतिथि विद्वानों की हर सप्ताह काउंसलिंग कराई जाएगी। जरूरत पड़ी तो 500 नए पदों का सृजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। निश्चित तौर पर ये एक दुखद घटना है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर ब्रिज गिरेगा जिस पे लोग सुबह शाम निकलते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी पूरी जांच होना चाहिए और मैं समझता हूँ रेलवे विभाग भी इसकी जांच कराए और ये बात भोपाल कलेक्टर और कमिश्नर से बात करेंगे कि प्रशासनिक तौर पे भी इसकी जांच हो और जितने लोग भी इसमें घायल हुए हैं उन सब को पूरी मेडिकल हेल्प मिले। ये प्रशासन पूरी उसकी पहल करेगा और पहल कर रहा है। सर, इसको लेकर आप पत्र लिखेंगे कि काफ़ी सारे पुल ऐसे होंगे या जर्जर सीढ़ियाँ होंगी? निश्चित तौर पर यहाँ रेलवे के DRM को और केंद्रीय मंत्री को भी चिट्ठी लिखेंगे कि इस तरह के हादसे जो होते हैं इस पर रोक लगना चाहिए और इनका पूरा परीक्षण करके इनको दुरुस्त किया जाए और इस तरह की घटनाओं को रोकें और रेलवे जो लोग घायल हुए हैं उनको मुआवजा भी दें। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।